हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन सा इंसान है जो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आने वाला है। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, राइट? सो विदाउट मच फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेनी है एंड डिवाइन से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनसे आपको प्रेयर करनी है कि आपको इस रीडिंग के थ्रू बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दीजिए, आपको इस रीडिंग के थ्रू बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दें, क्लैरिटी दें एंड आंसर्स प्रोवाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जल्द से जल्द कौन सा ऐसा पर्सन है जो आ रहा है, क्या है उसकी डिटेल। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम। एंड फाइनली हम लोग चेक करेंगे लास्ट में कि मीन वाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है एंड आपके पर्सन जो हैं वो कब तक आ रहे हैं। एंड पहले हम चेक करेंगे कि कौन है जो जल्द से जल्द आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ओ माई गॉड, न्यू बिगनिंग की शुरुआत ही आई है यहाँ पर। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओ माई गॉड, डबल डबल न्यू बिगनिंग, दो दो एसिस के कार्ड्स। तो अब बात करते हैं क्या मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर ना अभी तक हिम्मत नहीं थी, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं थी, आपका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं थी, या किसी कनेक्शन को एक्सेप्ट करने का उनमें जो है हिम्मत नहीं थी। मतलब हिम्मत की अभी तक उस पर्सन में बहुत कमी रही है। रीजंस अलग अलग लोगों के लाइफ में, अलग अलग लोगों के पर्सन्स की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अभी तक ये पर्सन ना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, कमिटमेंट से, कन्फेशन से, बात की जाए एक्शन से, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। और थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के पर्सन में उनका करियर, और बहुत सारे लोगों के पर्सन में उनकी फैमिली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि इनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, एंड वहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। प्यार बहुत है, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड बहुत हैं, और आपके वेल विशर भी हैं ये इंसान। नो मैटर आपके लिए एक्शन ले पाए या नहीं ले पाए, लेकिन ये आपके वेल विशर हैं, आपका भला चाहते हैं, आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन पर्सन ने आपको किसी टाइम पे बहुत सपोर्ट किया है, और कुछ लोगों के लिए मैं ये स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है। इस कनेक्शन में आने के बाद आपकी अवेकनिंग हुई है, आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना है, समझा है, आप लोगों की स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड लुक वाइज हर एक चीज़ की ग्रोथ हुई है। अब आप लोग काफ़ी स्टेबल हो, अबंडेंट हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन साथ ही में अपनी दुआओं में अपने पर्सन को याद कर रहे हो। बीच में से आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ इस पर्सन के लिए आप में से काफ़ी सारे लोग मैनिफेस्टेशंस एंड प्रेयर्स कर रहे हैं, या फिर किसी से कोई गाइडेंस लेकर उसको फॉलो भी कर रहे हैं। टैरो रीडिंग्स हो सकती हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, या फिर किसी स्पिरिचुअल वर्कर, हीलर से आप लोग हीलिंग करा रहे हैं, वैसी वाइब्रेशंस भी यहाँ पर हैं। बिकॉज आप इस कनेक्शन में बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन विद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। बिगनिंग तो आपको चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ। अगर आपके पर्सन के बारे में बात करूं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी हैं। अगर एक बार किसी को दिल से अपना बना लेते हैं, अपना फैमिली मेंबर बना लेते हैं, तो उनके लिए जान भी हाजिर कर देते हैं।
काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन हार्डवर्किंग हैं, लाइफ में आगे बढ़ने वालों में से हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ना बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं, किसी चीज़ से नहीं घबराते हैं और हमेशा पॉजिटिव भी रहते हैं। मैं स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ कि एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं जो बहुत ही पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बिलीव करते हैं। उनका ऐसा मानना नहीं है कि लव या फिर रिलेशनशिप जो हैं टाइम पास के लिए हैं, कि 6 मंथ किसी के साथ स्पेंड कर लिए, 4 मंथ्स किसी के साथ स्पेंड कर लिए, वैसा उनका मानना नहीं है। वो बाय हार्ट चाहते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना जो बहुत ही लविंग और केयरिंग हो। और फाइनली उन्हें रियलाइज़ हो चुका है, ये उनका अवेकनिंग टाइम चल रहा है जिसमें उन्हें ऑलरेडी समझ आ चुकी है ये बात कि वो पर्सन आप हैं जिनके साथ वो पूरी ज़िंदगी स्पेंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जिस कमिटमेंट से वो कभी भाग रहे थे या नहीं दे पा रहे थे अलग अलग रीजंस के साथ, लेकिन अब आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिकली लविंगली इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं आप में से कुछ लोगों के पर्सन, मैं ये भी स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपसे किसी तरह की गाइडेंस एडवाइस लेते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे एंड देन धीरे धीरे फ्रेंडशिप जोन में आएंगे और पहले वाला आप लोगों में लव रोमांस सब कुछ जनरेट होगा, लेकिन गो विद द फ्लो चलेंगे, आपके रिएक्शंस देखकर वो एक एक स्टेप लेंगे। कुछ लोगों के लिए वैसी वाइब्रेशंस भी यहाँ पर हैं। आप में से कई लोगों के पर्सन आपसे एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं और वहीं आप में से कई लोगों के पर्सन आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स की बात करूँ जो आपके पर्सन से कनेक्ट होती हैं या फिर आपसे कनेक्ट होती हैं, तो 1/19/28/10, 9/18/27, 8/17/26, 3/12/21/30। आप में से बहुत सारे लोग एंजल नंबर 111/111/111 बहुत बार देख रहे होंगे, जहां पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो पर्सन जिसके लिए आप प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, हीलिंग करा रहे हो या फिर बहुत टाइम से चाह रहे हो कि आपके लाइफ में वापस आ जाए, वो पर्सन फाइनली आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। इस टाइम वो किसी प्रॉब्लम में भी दिखाई देते हैं, हो सकता है किसी तरह की कोई गाइडेंस लें, या फिर आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो पहले बहुत प्रॉब्लम में थे या बहुत ही मुझे सेटल डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो आपके पास कमिटमेंट और परमानेंट रीयूनाइट होते हुए दिखाई देते हैं, कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। डिवाइन में इनका ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है और इस कनेक्शन में आने के बाद इस टाइम इनका ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी सारी चीज़ों की इन्हें क्लैरिटी मिली है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी तो इन्हें समझ में आ चुका है कि वो टॉक्सिक थी। इन्हें समझ में आ चुका है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। इन्हें समझ में आ चुका है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और इन्हें ये भी समझ में आ चुका है कि इनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों के लिए इन्हें गिल्ट और रिग्रेट भी है। आपके साथ परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं, आपकी तरफ जल्द से जल्द बढ़ना चाहते हैं और परमानेंटली रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर बात करें कि ये पर्सन आपकी तरफ कब तक आएंगे, विद इन अ डे, विद इन एन आवर, विद इन अ वीक, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ ये पर्सन आपके लाइफ में री एंटर करेंगे। कैसे री एंटर करेंगे? कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, या फिर किसी सोशल मीडिया साइट के थ्रू, या फिर आपके वर्क प्लेस पर आपको मिलने आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली प्लेस पर भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके साथ किसी सेम प्रोजेक्ट पे काम करें, ऐसी भी वाइब्रेशंस आ रही हैं। आपकी सेम क्लास में हों या आप सेम चीज़ लर्न कर रहे हो इनके साथ, वैसी भी थिंग्स यहाँ पर देखी जा रही हैं। एंड वहीं आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ फ्रेंड जोन में आना चाहेंगे और किसी चीज़ की गाइडेंस और एडवाइस लेते हुए भी आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं आप में से कुछ लोगों के पर्सन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। एंड मीनवाइल अगर बात करें आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, वन कार्ड में निकालती हूँ आप लोगों के लिए मीनवाइल क्या गाइडेंस है। जिस तरीके से पॉजिटिवली होपफुली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको इसी तरह से पॉजिटिवली होपफुली आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है।
आप एकदम सही जा रहे हो और इसी तरह आगे बढ़ते रहो। अगर मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जोडियक्स की बात करूँ तो लियो, वर्गो, एरीज, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई डोंट नो ये रीडिंग कितनों से कितनी रेजोनेट की है। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। फॉर मोर क्लैरिटी फ्रेंड्स, यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। मे गॉड ब्लेस यू।